बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए भवन निर्माण विभाग ने 2005 से अब तक संविदा और वाह स्रोतों से नियोजित कर्मियों का ब्यौरा मांगा है। विभाग ने सभी अधीक्षण अभियंताओं को पत्र भेजकर 3 दिनों के अंदर आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग ने कहा कि 3 दिनों के अंदर जानकारी विभाग को ईमेल के माध्यम से मुहैया कराने का आदेश दिया है। मानहानि मामले में मुख्यमंत्री आतिशी को रावजी वेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले में उन्हें जारी किए गए समन को आतिशी ने चुनौती दी है। अदालत में मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में आतंकवाद को खत्म करने की बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत के अंदर आतंकवाद से लड़ने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हुआ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान के मद्देनजर अवकाश की घोषणा की गई है। मुंबई महानगर पालिका आयुक्त ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें व्यापार, औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थाओं, औद्योगिक उपक्रमों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों को विधानसभा चुनाव में मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों को 20 नवंबर 2024 को छुट्टी देना अनिवार्य किया है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर गोबर खरीद के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने गोबर खरीदने की गारंटी दी थी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि वो गोबर नहीं कंपोस्ट खरीदेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विशेष दर्जे की बहाली की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित होने पर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद के पक्ष में है और जम्मू कश्मीर के विकास के खिलाफ है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि वे जो चाहते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत पाई है, जिसमें उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कमला हैरिस को हराया। उनके जीतने के बाद भारत में भी खुशी मनाई गई। उनका समर्थन करने के लिए योगी गुरु बाबा रामदेव भी सामने आए और समर्थन किया। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक हैं। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनौती दी है। उन्होंने चुनौती देते हुए राहुल गांधी को अपनी जाति के बारे में बताने के लिए कहा और ये भी कहा कि राहुल गांधी के आसपास जितने नेता हैं वो ये प्रेस वार्ता में कहें कि वे लोग अनुच्छेद 370 को वापस लाएंगे। मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बयान पर बोलते हुए कांकावली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार नरेश राणे ने कहा, मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर सभी अवैध हैं क्योंकि वे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा, देखिए मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो सब अवैध है, वे उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हैं। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल के कर्नाटक दौरे पर बोलते हुए पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा, जेपीसी आ रही है और इस मामले की जांच कर रही है, ये सांप्रदायिक है, वे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जो कर्नाटक में मौजूद नहीं है।